What is spherical aberration? How can it be reduced? Spherical aberration is the inability of lens to converge all the rays of light falling on it at a single point. जैसे कि ये लेंस है, तो जो पास की रेज हैं उनको बोलते हैं पार एक्सियल, और जो दूर की रेज हैं उन्हें बोलते हैं मार्जिनल। तो दूर वाली पास में कन्वर्ट जाती हैं और पास वाली दूर। तो ये जो इनेबिलिटी लेंस की है इसे बोलते हैं फोकल लेंथ ऑफ मार्जिनल रेज, इसे बोलते हैं फोकल लेंथ ऑफ या फोकस बोल सकते हैं ऑफ पार एक्सियल रेज। ये सेम जगह ना कन्वर्ज होना ये इस लेंस की इनेबिलिटी है। इस इनेबिलिटी को हम स्फेरिकल एबरेशन से बोलते हैं। अब इसका रेमेडी क्या है? रेमेडी पूछा हुआ है। रेमेडी ये है टू टेक टू लेंसेस इन कॉम्बिनेशन, लेंसेस इन कॉम्बिनेशन, उससे भी मिनिमाइज होगा, ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप लेंस को ऑयल में डिप कर दें तो भी एक थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन दिस इज़ द आंसर, जो स्टैंडर्ड आंसर है इसका, कि आप दो लेंसेज ले लें कॉम्बिनेशन में, कंबाइंड टू लेंसेज इन कॉम्बिनेशन, तो आपका स्फेरिकल एबरेशन काफ़ी हद तक कम भी हो जाता है। जैसे कि माइक्रोस्कोप में आप देखेंगे कि माइक्रोस्कोप में दो लेंस होती हैं, ऑब्जेक्टिव एक आईपीस। लेकिन असल माइक्रोस्कोप में चार लेंस होती हैं, ऑब्जेक्टिव दो लेंस की कॉम्बिनेशन से बनाई जाती है और आईपीस, ये इसलिए टू मिनिमाइज स्फेरिकल एबरेशन।